जैन साथियों, मेरा नाम है जीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम स्पोर्ट्स अकेडमी तोशाम दीवानी। साथियों, आज हम आपको एक रिलेशन की भर्ती के बारे में बताने वाले हैं और जो भी भाई टेक्निकल से पढ़े हुए हैं, प्लस टू की हुई है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। साथियों, इसमें एज भी ज़्यादा दी गई है, तो ये भर्ती कौन से सेंटर में होगी, कब होगी, इस भर्ती का क्या पूरा प्रोसीजर है, तो हमारा 5-7 मिनट का वीडियो है, ये आप ध्यान से देख लेना। साथियों, अब हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के बारे में। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये हेडक्वार्टर जो AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ है, उनके द्वारा जारी किया गया है और 24 सितंबर 2022 का ये लेटेस्ट लेटर है। और ये यहाँ पर ये बताया गया है कि UHQ कोटा इनरोलमेंट जो रैली है वो AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के द्वारा की जाएगी, जो कि 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच चलेगी। तो ये इस बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी सर्विसमैन हैं, ये UHQ इनरोलमेंट है, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती है, इसके अंदर रिलेशन के बच्चे ही जा सकते हैं। साथियों, तो जो भी रिलेशन के बच्चे हैं, चाहे वो वार विडो के हैं, सर्विसमैन के हैं, एक्स सर्विसमैन के हैं, या रियल ब्रदर हैं, या अडॉप्टेड सन हैं, वो सभी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है वो एक ही ट्रेड की भर्ती होगी साथियों, सिर्फ सोल्जर टेक्निकल जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसकी भर्ती है। और ये भर्ती 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच की जाएगी। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं यहाँ पर इस भर्ती में जा सकते हैं, उन सभी के लिए बताया गया है। और अब इसमें पूरी डिटेल से बता रहे हैं साथियों, हमारा वीडियो को ध्यान से सुन लेना। इसमें बताया गया कि सभी कैंडिडेट जो हैं, AMC जो स्टेडियम है वहाँ पर, AMC सेंटर के अंदर, वो जो कि रायबरेली रोड के ऊपर है, वहाँ पर रिपोर्ट करनी है सभी कैंडिडेट को। और जितने भी कैंडिडेट लेट होंगे या इन अनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेकर ना जाएं यहाँ पर, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके ही ले जाएं, नहीं तो किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी, वो कैंडिडेट जो हैं नॉट एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद बता दें आपको, जो भी भाई हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो इस भर्ती के अंदर पहली बार 25 साल की गई है, 2 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ये COVID-19 के कारण अगली बार से भर्ती जो है 17.5 से 23 साल ही रहेगी इसके लिए उम्र, जो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की है, इस बार सिर्फ ये इसकी जो 25 साल एज है, 17.5 साल से 25 साल एज के वाले कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हैं। तो जो भाई यहाँ पर भर्ती में जाना चाहते हैं वो ध्यान से सुन लेना हमारा वीडियो। इसके अंदर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेटों के लिए सुनहरा अवसर है उनके लिए। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस भी होगा, मेडिकल भी होगा और टेस्ट भी होगा, सभी कैंडिडेट जा सकते हैं। जो इससे पहले भी भर्ती हुई थी, जो कैंडिडेट फिट हो गए थे, तो वो भर्ती क्या है अभी उनको ध्यान में रखते हुए सस्पेंडेड कर दी गई हैं, तो वो रैली नहीं हो रही, क्योंकि उसको 180 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका था फिजिकल मेडिकल होए, तो सारी भर्तियां पहले वाली कैंसिल कर दी गई हैं, नए सिरे से भर्तियां हो रही हैं। तो इसलिए बताया गया सभी कैंडिडेट जो पहले भी फिट थे वो भी इस रैली में जा सकते हैं, यहाँ पर सभी के लिए मौका है, इसलिए उनके कारण ही 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर उम्र जो है अब की बार 17.5 से 25 साल उम्र है साथियों। और इस रैली को समूथ और कंडक्ट करने के लिए, भीड़ से बचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं जिसको अपनाना ज़रूरी है। जो भी हैं यहाँ पर कैंडिडेट जाएंगे, क्या करना है कि सभी साथियों को एक ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पर, सेंटर के द्वारा जारी की गई है, उसके ऊपर यहाँ पर 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2022 तक अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी भर्ती के लिए चाहिए होते हैं वो वहाँ पर PDF बना करके अटैच कर दें, ईमेल आईडी पर भेज दें। लास्ट डेट 25 अक्टूबर है डॉक्यूमेंट भेजने की, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो जो भी रैली में जाएं, ईमेल आईडी पर पक्का भेजें। ईमेल आईडी पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, 10वीं क्लास की मार्कशीट भेजनी है, 12वीं क्लास की मार्कशीट भेजनी है, उसके बाद आपका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भेजना है, और उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है। रिलेशनशिप स्पॉन्सर सर्टिफिकेट क्या होता है साथियों, कि जिसके भी भाई ब्रदर कोई भी
जो फौज के अंदर नौकरी कर रहे होते हैं वो एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनवाते हैं जो जिस यूनिट में होता है वहाँ से। तो जिसको भी समझ में नहीं आया हमें कॉल करके पूछ सकता है। उसके बाद सभी के फॉर्मेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी के फॉर्मेट इस पीडीएफ के अंदर दिए गए हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद बता दें आपके रिलेशन सर्टिफिकेट जो है रिकॉर्ड द्वारा जारी होना चाहिए, रिकॉर्ड वाला जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भेजना है। और जितने भी कैंडिडेट हैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर साथ में अटैच करना है उसके अंदर, ताकि आपको जो जवाब है वो मोबाइल पर ओटीपी भी आ सकता है और उसके मैसेज आ सकता है। उसके अलावा आपको मेल आईडी आएगी, जो आपको मेल आईडी आएगी वो आपकी एक्सेप्टेंस ईमेल आईडी आएगी सेंटर से, वही उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है भर्ती के अंदर। आपको डेट मिल जाएगी ताकि आपका भर्ती को सुचारू रूप से चलाया जा सके, किस दिन आपकी वो होगी दौड़ फिजिकल मेडिकल होगा, और आधार कार्ड लगाना है साथ में। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाएं और ईमेल आईडी पर अटैच करके सेंटर को भेज दें, सेंटर की तरफ से जवाब आ जाएगा अगर आप एलिजिबल होगे तो। अगर जिसके नंबर कम हैं और जिन्होंने भेज दिया उनके पास आएगा नहीं, वो आपका मतलब रिजेक्टेड कर दिया आपका, और वहाँ से एक्सेप्टेंस मेल पक्का आएगी, ईमेल आएगी, उसका प्रिंट आउट लेकर भर्ती में जाना है साथियों। तो सभी कैंडिडेट जो भी किसी भी सेंटर का हो यहाँ पर, हाँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि देखो किसी भी कंसर्न्ड ऑफिस का हो, चाहे एएमसी का हो, चाहे अदर सेंटर के किसी का भी हो, चाहे रियल ब्रदर हो, सर्विसमैन हो, एक्सर्विसमैन का या विडो का, वार विडो का, उसके अलावा जो भी अडोप्टिड सन हो लीगली, वो सभी यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। और ये भर्ती एक ही ट्रेड की है आपको बता दें, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं जो मेल के ऊपर भेजने हैं, और ये मेल का भेजने का टाइम भी आपको बता दिया, 26 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 के बीच पक्का भेज दें। यहाँ से आपको इस सेंटर के द्वारा आपको जवाब आ जाएगा। अपना एक ईमेल, हर कैंडिडेट अपनी एक ईमेल जिससे आप भेज रहे उसी मेल पर जवाब आएगा। अलग अलग मेल रजिस्टर्ड ना करवाएं, क्योंकि सेंटर के द्वारा जारी किया गया है कि एक से ज़्यादा ईमेल और फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपका एक मोबाइल नंबर और ईमेल अटैच करवा दें ताकि आपको उसी पर आपका जवाब आ जाए और आप वो प्रिंट आउट लेकर पक्का जाएं भर्ती के अंदर। और ये किसी भी रिकॉर्ड या ऑफिस का बच्चा यहाँ पर भर्ती देख सकता है, रिलेशन की भर्ती है पर साथियों ये। और इसके अंदर जो मेल दी गई है वो है, आपको मैं बता देता हूँ, recruitment2022@joinamc.com, ये ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। बाकी आप ये आपका चार्ट है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो वो ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर रहे हैं साथियों जो भर्ती होएगी उसके बारे में। ये भर्ती सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की है, जिसको सोल्जर टेक एनए बोलते हैं, और इसके लिए एज जो है वो 17.5 से 25 साल है। और इसमें नीचे हैशटैग भी दिया गया है कि ये 25 साल सिर्फ इस साल के लिए है, ये रेज रिलैक्सेशन उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आपको बता दें कि इसके अंदर 10+2 पास होना चाहिए, वो साइंस साइड से हो। साइंस के अंदर भी कौन कौन से सब्जेक्ट हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट हों, इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क हों, और ईच सब्जेक्ट जो है 40% मार्क होने अनिवार्य हैं भर्ती देखने के लिए। उसके अलावा अगर किसी के पास में बायोलॉजी नहीं है प्लस टू में, तो जो भी जिसके पास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट है तो वो भी यहाँ पर भर्ती देख सकता है। शर्त वही है कि इंग्लिश में 50% और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क होना अनिवार्य है। और एज जो है इस साल के लिए ही 2 साल आपको ज़्यादा दिए गए हैं, अगली साल से फिर 17.5 से 23 साल ये रैली की उम्र रहेगी साथियों। अब बात करते हैं, सबसे पहले रहेगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको PFT बोलते हैं। इसके अंदर आपको पता सबसे पहले दौड़ होती है 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर रन, और इसके लिए दो ही ग्रुप बनाए जाते हैं। आजकल इसका टाइम जो है 5 मिनट 30 सेकंड तक है आपका एक्सीलेंट ग्रुप, जिसके 60 मार्क्स मिलते हैं आपको, और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आपका सेकेंड ग्रुप है, जिसको गुड भी बोल लो चाहे, और इसके लिए आपको 48 मार्क मिलते हैं। उसके बाद आपकी रहती है बीम, जिसको पुलअप बोलते हैं,
और इसके लिए आपको 10 बीम लगानी होती हैं, 10 बीम के तक मार्क मिलते हैं। उसके अलावा चाहे आप ज़्यादा मार लो, लेकिन 6 मिनिमम पास के लिए चाहिए। तो साथियों, 10 जो बीम मारेगा उसको 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम मारेगा उसको 33 नंबर मिलेंगे, 8 बीम मारेगा उसको 27 नंबर मिलेंगे, 7 बीम मारेगा उसको 21 नंबर मिलेंगे, और 6 जो भी बीम लगाएगा उसको 16 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से नंबर आपके काउंट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद 9 फिट डिच, जो 9 फिट का गड्ढा होता है वो क्वालिफाई है, नीड टू क्वालिफाई है। जिग जैग बैलेंसिंग होता है वो भी नीड टू क्वालिफाई है, उसको आपको क्वालिफाई करना, उनके मार्क नहीं है। इस प्रकार से आपका पहला स्टेप जो है फिजिकल का, वो PFT कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है PMT, जिसको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपकी जो हाइट, वेट और चेस्ट, हाइट, वेट, चेस्ट, ये चीज़ें आपकी वो की जाती हैं, मेजरमेंट की जाती हैं, नापी जाती हैं। तो जो भी भाई यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हाइट है, तो इसमें रीजन दे रखे हैं, जो क्षेत्र दे रखे हैं कि जो जिस क्षेत्र में आता है उसके लिए कितनी हाइट चाहिए और कितना वेट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए। तो ये अपना देख लेना इस चार्ट के अंदर, बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद सबको बता देते हैं, जो भी भाई है चाहे वो किसी भी उसका क्षेत्र का हो, छाती का फुलाव सबके लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। उसके बाद आपको बता दें, कुछ रिलैक्सेशन मिलते हैं, कुछ छूट दी जाती हैं, लेकिन वो छूट किसको मिलती हैं, वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको। उसके अलावा जो सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडो, जो भी फौजी के रियल ब्रदर को नहीं मिलती यहाँ पर छूट। और इनको भी छूट सिर्फ जो है एक ही फील्ड में मिलती है, चाहे आप हाइट में छूट ले लो, चाहे चेस्ट में ले लो, चाहे वेट में ले लो, इनके लिए भी छूट का ये क्राइटेरिया है साथियों, रिलैक्सेशन का। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के लिए भी बताया गया है कि जो भी भाई मेडिकल जो है रैली साइट के ऊपर ही होगा, जहाँ पर भर्ती हो रही है, रायबरेली रोड के ऊपर जो स्टेडियम है वहाँ पर, वहीं पर आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल भर्ती है, फिजिकल, इनका जिसका भी फिजिकल हो जाता है, PFT PMT फिट हो जाएंगे, उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद में आपको 5 दिन के अंदर जो भी रेफरल MH है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसके अंदर रिपोर्ट करनी है, और 14 दिन के अंदर आपको फिट होकर के मेडिकल से आना है। ये 14 दिन लास्ट टाइम बता रखा है इसके अंदर, मिलिट्री हॉस्पिटल से फिट होने का, रिव्यू मेडिकल कराने का। उसके बाद जो भी कैंडिडेट MH से फिट हो जाएंगे, जो भी, वो सभी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो करेंगे, पुटअप वगैरह जो भी अपने सारे वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे उनके, उसके बाद उनको वो दिया जाएगा, एडमिट कार्ड दिया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों, ये भर्ती चल रही है, आप हमारा वीडियो ध्यान से देखते रहें, मैं आपको हर चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। जो भी भाई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है, एग्जामिनेशन है, CCC बोलते हैं इसको, CEE, तो ये भी भाई, इन सब को जो भी फिजिकल और मेडिकल फिट हो जाएंगे उन्हीं को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो जो भी जो रेफरल बच्चे हैं, जो MHA आएंगे, उनके उनका भी डॉक्यूमेंट आने के बाद उनको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। उसके अलावा जिन बच्चों की एजुकेशन डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जैसे आपके रिलेशन सर्टिफिकेट की भी वो होती है, जो आप रिकॉर्ड की किसी भी रिकॉर्ड का आप रिलेशन सर्टिफिकेट दोगे तो उसकी भी वेरिफिकेशन होती है, और जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, NCC डॉक्यूमेंट होते हैं या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते हैं, तो इन सब की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। जो भी फिट होते जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट फिट हो गए, मेडिकल फिट हो गए, फिजिकल फिट हो गए, उन सबको एडमिट कार्ड इशू होते कर दिए जाएंगे, ठीक है साथियों, ऑटोमेटिक। उस प्रकार किस किस को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ये पूरी इस PDF के अंदर डॉक्यूमेंट के लिए दे रखा है, और इस PDF के अंदर जितने भी एफिडेविट हैं वो सभी दे रखे हैं, वो सभी बनवा कर ले जाएं सेंटर में अगर आप भर्ती के लिए जा रहे हो तो, ये दे रखे हैं। इसमें जिसको समझ में नहीं आता हमसे पूछ सकता है भाई साथियों, एफिडेविट हैं इसमें, रिलेशन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ठीक है, ये हर चीज़ इसके अंदर, PPO जो भी हैं सारी, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ कितनी चाहिए, ये सभी शर्तें इसके अंदर बता रखी हैं। टैटू पॉलिसी क्या है बॉडी के लिए, डेथ सर्टिफिकेट किसका चाहिए, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड किसके चाहिए, पूरी PDF को आप पढ़ लेना, अगर मैं बताऊँगा तो ये बड़ी हो जाएगी वीडियो।
तो जो भी भाई हैं जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए जो मार्क मिलते हैं आगे आ गया भाई साथियों, जिस जिसको भी आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क दिए जाते हैं वो किस किस के मिलते हैं, तो एक तो फादर के मिलते हैं, जिसका भी भाई बेटा है वो भर्ती देख रहा है तो फादर का रिलेशन है उसको 20 मार्क मिलते हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों को भी जो कि नेशनल इंडिया लेवल का प्लेयर है उसको भी 20 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रकार से ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट NCC सर्टिफिकेट इन सभी के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो ये दे रखा है, ये जिसके पास NCC ए है बी है सी किस किस को कितने मिलेंगे, तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस मार्क बोलते हैं इनको, ये आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप जितने भी डॉक्यूमेंट पुटअप करेंगे हर की वेरिफिकेशन होगी, तो जो भी है नकली डॉक्यूमेंट वगैरह से बचें। कई लड़के क्या है NCC का या खेल का सर्टिफिकेट नकली प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनसे बचें। यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी गई इनरोलमेंट के लिए किस किस को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पर भर्ती के लिए योग्यता के लिए भी इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं भाई। इस लड़के को पहले जैसे वार विडो कोई भी हो, चाहे जो भी हमारे वो सैनिक भाई शहीद हो जाते हैं उनके बच्चे, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रायोरिटीज दे रखी हैं भर्ती की, उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं भर्ती क्या क्या लेकर जाना है आपको, आपकी जो बॉडी टैटूज के लिए पॉलिसी दे रखी है ये पढ़ लेना भाई सारे जो भी भाई हैं। दलालों के लिए भी इसमें दे रखा कि दलालों से सावधान रहें। उसके अलावा हेल्थ के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है, पूरी प्रिकॉशन वगैरह आपको दे रखी है, चेतावनी आपकी। फिर इसके बाद जो भी और चीज़ें हैं किसी प्रकार की कोई शर्त है वो सभी बता रखी इसमें, कि एज का क्या है, कितनी एज वाले, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उनके लिए। उसके बाद शुरू हो जाती है, आप देख सकते हो 12वें 13वें नंबर पेज से आपके स्पॉन्सर सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद एफिडेविट जुडिशियल स्टाम्प पेपर आ गए, उसके बाद भी जो भी ज्वाइंट फोटोग्राफ फैमिली फोटोग्राफ्स ये सभी डॉक्यूमेंट आपके इसमें खेलों के लिए भी दे रखा है, ये कौन कौन सा उनके लिए दे रखा है कि यहाँ पर कौन कौन से मार्कशीट वगैरह चलेंगे, कौन कौन से खेल का चलेगा, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन इनरोलमेंट किए जाते हैं, सभी पॉलिसीज दे रखी हैं इसके अंदर। आप अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर भर्ती के लिए, उसके बाद जो भी बॉन्ड सर्टिफिकेट हैं, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट हैं, ये सभी इसके अंदर जितने भी है 24 पेज की PDF है साथियों। तो यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर लेकर जाएं सेंटर में जा रहे हैं तो, और जो भी भर्ती देखने जाए तो अपने डॉक्यूमेंट ईमेल आईडी पर पक्का भेज दें। ईमेल आईडी पर भेजने के बाद आपके पास एक्सेप्टेंस ईमेल आएगी, उसका प्रिंट आउट लेकर ही भर्ती में जाएं। उसके ऊपर आपको डेट दी हुई होगी, उस दिन रिपोर्ट करना, उसी दिन रिपोर्ट करें। इस प्रकार से ये भर्ती होने वाली सेंटर में, इस सेंटर का नाम है AMC सेंटर, ठीक, कॉलेज लखनऊ। तो यहाँ पर आप भर्ती में जा सकते हैं। रिलेशन के बच्चे, यहाँ पर सिर्फ सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है। बाकी आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करें। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।